हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अंजलि एजुकेशनल वीडियो क्लासेस में। आज हम आप लोग को एक्सपोटेंट पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोटेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि हम आपको बताएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट फार्मूला देखिए, ए के पावर एन है इंटू ए के पावर एन। ठीक है, तो जब बेस सेम है इसलिए पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ए के पावर एम एन। ठीक है, सेकंड देखिए, ए के पावर एम डिवाइड में रहेगा ए के पावर एन। ठीक है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए के पावर एम माइनस एन। ठीक है, अब देखिए थर्ड, ए के पावर एम की होल पावर एन, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के पावर एम एन, क्योंकि बेस सेम है इसीलिए। और देखिए फोर्थ, ए बी के होल पावर एन। ठीक है, अगर हमें इसे सेपरेट करके लिखना है तो ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल पावर एन था इसीलिए। फिफ्थ, ए अपन बी के होल पावर एम। ठीक है, अब होल पावर है तो ए के पावर भी एन लिख सकते हैं और बी के पावर भी एन। ठीक है, अब हम आप लोग को कुछ इस पे बेसिक क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, टू के पावर फाइव इंटू टू के पावर वन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में बेस सेम है, आप यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है, इसलिए पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, टू के पावर सिक्स। ठीक है, अब जैसे अगर डिफरेंट डिफरेंट होता, देखिए थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है, इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन। अब हमें इसे फाइंड करना होता, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, इसका बेस थ्री है, इसका बेस सेवन है, बेस मतलब आधार होता है। देखिए थ्री के पावर भी वन ही लेंगे, तो यहाँ भी थ्री के पावर वन, यहाँ भी थ्री के पावर वन, यहाँ सेवन के पावर वन, यहाँ सेवन के पावर वन, यहाँ पे सेवन के पावर वन। ठीक है, अब थ्री थ्री जो है इसका बेस सेम है, इसलिए यहाँ पे थ्री के पावर से लिखेंगे, थ्री के पावर थ्री इंटू, अब सेवन को सेपरेट कर दिए क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे सेवन की पावर थ्री पुट करेंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और देख लीजिए, थ्री के पावर फाइव इंटू थ्री के पावर टू, बेस सेम है, यहाँ भी थ्री है और यहाँ भी थ्री है, इसलिए पावर को ऐड कर लेंगे, थ्री के पावर सेवन। अब डिवाइड में देखिए, सपोज डैट फाइव के पावर सेवन है और अपान में फाइव के पावर फाइव है। ठीक है, बेस सेम है, यहाँ भी फाइव है और यहाँ भी फाइव है, तो जब हम इसको ऊपर लेके आते हैं, फाइव के पावर सेवन माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस फाइव तो है ही, इसलिए फाइव को ऐसे रहने देंगे, ये वाले फाइव को यहाँ लिख लेंगे माइनस फाइव। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, फाइव के पावर टू। सिक्स के पावर सेवन डिवाइड में सिक्स के पावर थ्री, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिक्स के पावर सेवन माइनस थ्री से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिक्स के पावर फोर। अदर क्वेश्चन देखिए, जैसे टू के पावर थ्री के होल पावर थ्री दिया हुआ है। ठीक है, अब टू के पावर थ्री है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा सॉल्यूशन, टू के पावर थ्री इंटू थ्री, टू के पावर नाइन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 7 के पावर 4 डिवाइड में 5 के पावर 4, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ ऊपर 7 है यहाँ नीचे 5 है, न्यूमरेटर में 7 है डिनोमिनेटर में 5 है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब लेकिन पावर दोनों की क्या है, सेम है, इसलिए 7/5 की होल पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए, अगर 1/2 के होल पावर 4 होता, ठीक है, तो 1 के पावर भी 4 लिखते और 2 के पावर भी 4, क्योंकि दोनों के पावर सेम है, होल पावर है यहाँ पे, इसलिए। अब डिवाइड में देख लीजिए इसी को, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, डिवाइड में तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। AB के पावर n, ये फार्मूला था। अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, सपोज डैट अगर हम लोग ले लें 7 × को हम आपसे बताए थे डॉट लाइन से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, × 4 के होल पावर 5, ठीक है, अब दोनों के होल पावर 5 है, इसलिए यहाँ पे 7 के पावर भी 5 लिखेंगे × 4 के पावर भी 5 लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 9 के पावर 3 × 9 के पावर 2, तो बेस से मैं पावर को ऐड कर लेंगी, 9 के पावर 5, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, रूट का मल्टीप्लिकेशन देखिए, जैसे √2 के पावर 2, ठीक है, √2 के पावर 5, बेस सेम है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, इसको पावर को ऐड कर लेंगे, √2 के पावर 7, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 2 के पावर हाफ है, ठीक है, 2 के पावर हाफ है। अब 2 के पावर हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 पावर 7 है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 के पावर 7/2। थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।